यात्रियों की सुरक्षा के लिए ओला करेगी अब आपके सफर की निगरानी। राइडिंग ऐप ओला अब अपने यात्रियों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। इस फीचर की मदद से अब आपकी राइड की निगरानी की जा सकेगी, जहां यात्री की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। इस सिस्टम की मदद से अभी देखा जाएगा कि गाड़ी कहां कहां रुकती है, क्या कारण है और कितने देर में वो अपने यात्री का सफर पूरा करती है। ओला ने यह सिस्टम 25 सितंबर 2018 को बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में पायलट प्रोजेक्ट गार्जियन के तहत लॉन्च किया। यह सिस्टम ऑफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स पर आधारित है, जिसकी शुरुआत दिल्ली और कोलकाता में अक्टूबर से की जाएगी और देश के अन्य शहरों में इस साल के अंत से की जाएगी। गार्जियन परियोजना के तहत स्ट्रिप्स की AI संचालित प्रणाली से निगरानी की जाएगी तथा रूट बदलने अप्रत्याशित रूप के बीच में ट्रिप को रोकने जैसे चीजों का विश्लेषण किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब राइड मुहैया कराने वाली कंपनियों के ड्राइवरों ने सुनसान रास्ते पर ले जाकर महिला सवारियों से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। इसको लेकर अब ओला काफी सतर्क हो गया है। यहाँ ऐसी कोई भी घटना को लेकर ओला की सेफ्टी रिस्पॉन्स टीम यानी कि SRT तैयार रहेगी। स्ट्रीट सेफ के हिस्से के रूप में ओला अपने प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए गाड़ी के चलाने की समस्या का हल निकाल रही है और उस पर फिलहाल काम कर रही है। कंपनी के उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल ने कहा, ओला ऐप को अपडेट भी किया जा रहा है और अब इसमें ड्राइवर भागीदारों के बड़े फोटो शामिल किए जाएंगे ताकि ग्राहक उनकी प्रमाणिकता को सत्यापित कर सके और वास्तविक ड्राइवर के स्थान पर ड्राइवर बनने वाले व्यक्तियों की रिपोर्ट कर सके। अंकुर अग्रवाल ने यह भी कहा कि ओला हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर ऑफलाइन ऑडिट जांच की शुरुआत करेगी। प्रशिक्षित ऑडिट टीम ने केवल ड्राइवर भागीदारों को प्रमाणित करेगी बल्कि कार की दशा की भी जांच करेगी। बता दें, हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस परियोजना की सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।